हम सब की एक ही प्रॉब्लम, कम से कम टाइम में आज डिनर में स्पेशल क्या बनाया जाए। तो आज हम बनाएंगे डिनर स्पेशल जबरदस्त, एक नहीं दो दो रेसिपीज, और इन्हें आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। लच्छेदार पराठा और साथ में स्पाइसी पनीर कीमा, और ये रेस्टोरेंट ढाबा से कई गुना बेहतर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमें हाथ से क्रश कर लेना है। पनीर कीमा बनाने के लिए पनीर को इस तरह से क्रश करके क्रम्बल बनाया जाते हैं। इसे आप ग्रेटर से ग्रेट ना करें, क्योंकि इसका जो लुक है उसे हम कीमे जैसे देना चाहते हैं। ये देखिए, पनीर को मैंने क्रम्बल कर लिया है। अब लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर एक बोल में हम 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लेंगे। इसमें मोयन के लिए 2 टेबलस्पून तेल डाला है, घी भी डाल सकते हैं आप स्वाद के अनुसार, या 1 छोटा चम्मच नमक डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए पराठा के लिए नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ आटा और सिर्फ मैदा से पराठा को बना सकते हैं, या मेरे जैसे दोनों मिला के बना सकते हैं। इससे पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आटे को अच्छे से मसल मसल कर गूंद कर चिकना करना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट अच्छे से मसलते हुए डो को चिकना कर लिया है, और ये देखिए पराठा के लिए थोड़ा नरम आटा हमारा तैयार है। अब इसे ढक के रख देंगे, और इस दौरान हम पनीर की सब्जी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए पैन को थोड़ा गर्म करके इसमें हम 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। 3 चॉप्ड हरी मिर्च डाल दिया है। यहाँ पर मैंने पके हुए मिर्च भी लिया है। 1/2 इंच अदरक को पतला पतला जुलियन में काट के डाल दिया है। 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक भी ऐड किया है मैंने। मसाले को 30 से 40 सेकेंड्स भून के इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे। प्याज को हमें 2 मिनट फ्राई कर लेना है। 2 मिनट बाद ये देखिए प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है। इस टाइम पे 1/2 बारीक चॉप्ड शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ऐड कर देंगे। तो इसे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। और प्याज के साथ 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन आ चुका है। साथ ही कैप्सिकम को भी मैंने सॉटे कर लिया है। अब इसमें 3 क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर डाल देना है। टमाटर को हमें यहाँ पे सॉफ्ट होने तक भून लेना है। इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और उसी के साथ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। मसाले को मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह से आप पनीर कीमा को बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में। इसे खाने के बाद इसको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा आपको। 2-3 मिनट बाद ये देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट और मैशी हो चुके हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को आप इस वक्त डालिए, फिर इसमें क्रश्ड पनीर डाल देना है, और मसाले के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इसको हम ढाबे जैसे बना रहे हैं, तो इससे ये पनीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितना स्वादिष्ट और लाजवाब बने हैं ये। आप इसे रोटी, चावल, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये सबके साथ बेस्ट है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, ये फ्रोजन मटर है। मटर इसमें ऑप्शनल है। उसी के साथ थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटा चम्मच खटास के लिए आमचूर का पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो मटर को कैप्सिकम के साथ डाल के इसे अच्छे से भून लीजिए। अभी हम इसमें फिनिशिंग टच के लिए कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी गैस बंद कर देंगे
और ये हमारा पनीर कीमा या पनीर भुर्जी जो भी कहे एकदम बढ़िया तैयार है, ज़बरदस्त बने हैं खाने में ये, मैं क्या बताऊँ। यकीन मानिए इसको टेस्ट करने के बाद आपका मन भर जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। इधर आटे को हम वापस गूंथ लेंगे। देखिए आटा सेट हो गया है। अब ये डो से मीडियम साइज लोई तोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, और इतने डो से आप 6 पराठा बना सकते हैं। अब एक लोई लेकर पहले इसे गोल करना है, फिर फ्लैट करके सूखे आटे में अच्छे से कोट करेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आज हम आपको लच्छा पराठा बनाने का सबसे आसान मेथड बताएंगे, जिससे कि आप इसे अपने घर पर आसानी से बना पाएंगे। फिर इसे रोटी के जैसे रोल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जितना आप चौड़ा बना सकते हैं इसे फैला लीजिए। अब इसके ऊपर घी या तेल लगाएंगे, ये देखिए, और फिर इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल कर दीजिए। ये सूखे आटे से क्या होता है, वो जो लेयर है ना वो चिपकती नहीं। फिर ये प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे साड़ी के पल्लू को इकट्ठा करते हैं ना, ठीक वैसे ही इसे भी ऐसे इकट्ठा करना है। फिर ऐसे डो को खींचते हुए इकट्ठा कर लेना है, ये देखिए, और इसके एंड पार्ट को डो में चिपक दीजिए या इसके नीचे चिपक दीजिए। ये देखिए आपका लच्छा तैयार है, बहुत ही सुंदर। अभी इसे पहले हाथ से दबा दीजिए ऐसे, फिर धीरे धीरे इसे सब तरफ से फैला लीजिए। और फिर इसे हम सीकेंगे। तो उसके लिए एक तावा गरम कर लिया है। अब एक पराठा को रख कर मीडियम फ्लेम पर इसे दोनों साइड से बराबर सीख लेना है। एक साइड जब अच्छे से सीख जाएगा इसे पलट दीजिए, और 2-3 मिनट बाद जब ये अच्छे से सीख जाएगा इसमें साइड से तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इसे नॉर्मल जैसे पराठा सीखते हैं ना वैसे ही सीखेंगे। और ये देखिए 1 मिनट दोनों साइड से लच्छा पराठा को सीख लिया है, और ये बढ़िया तैयार है। इसमें लच्छा आपको दिख रहा है ना, एकदम क्रिस्पी बिना तंदूर के बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बने हैं ये पराठा। इस तरह से बाकी के पराठा को भी तैयार कर लीजिए। तो है ना आसानी से बनाना। तो मैं और एक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो एक साथ पराठा को बनाकर सीख सकते हैं, या फिर एक एक करके बना के एक एक करके सीख सकते हैं। कम टाइम में ये लाजवाब डिनर आपका मन छू जाएगा। एकदम ढाबा स्टाइल लच्छेदार पराठा, वो भी बिना तंदूर के, और साथ में ये बढ़िया सा पनीर कीमा, बस और क्या चाहिए। तो चलिए डिनर की प्लेटिंग कर लेते हैं। साथ में रखा है थोड़ा सलाद। तो ऐसे ही स्वादिष्ट डिनर आप बनाए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लच्छे को आप देखिए कितना बढ़िया बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ऐसे नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को, साथ ही में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए।
तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।